श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया राधा जीवन मुरलिया। अंबिकावन की प्रभु यात्रा किए हैं, जहां शिव शक्ति की आराधना है, शंखचूड़ का प्रभु ने उद्धार किया है, युगल गीत का वर्णन है, कृष्ण है शब्द, राधा है अर्थ, राधा है शब्द, कृष्ण है अर्थ, यही है यथार्थ। युगल गीत का वर्णन, वृषभासुर केशी का उद्धार, भगवान अपनी माया डाले नारद जी के अंदर, नारद जी पहुंचे कंस के पास, आपके अनुयायियों को मारने वाले कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी के बेटे हैं, नंद यशोदा के, ये तो रातों रात ले जाकर के छोड़ आए, निकाला तलवार मारने के लिए। नारद जी समझाए इनको मार के क्या पाएगा, बंदी बना के जेल में डलवा दिया। अक्रूर से कहता है बहाना धनुष यज्ञ का होगा, लेकिन उद्देश्य मरवाना है, मात्र दो मिनट शांति का दान लेंगे आप लोगों का, फिर आगे हम रुक्मिणी मंगल की ओर बढ़ते हैं। श्रोताओं, वियोग बड़ा दुखदायी होता है, प्रियतम का वियोग तोड़ दिया करता है। नंद और यशोदा, भोली भाली गोपियां, जिस कृष्ण को पाकर इतनी गदगद है, इतनी खुश है, आज इनको पता नहीं कि ये अब चला जाएगा। गोचारण करके जब प्रभु आते थे, यशोदा मक्खन का पेड़ा लेके बैठी रहती थी, जैसे कृष्ण आते थे गले लगा लेते थे। आज उस मां को क्या पता, कल का सवेरा हमारे लिए काल बन के आएगा। एक प्रेमी को लगा मेरे प्रियतम को सुबह जाना है, गोपियां चीख पड़ी। गोपियां क्या कहते हैं, सजन सकारे जाएंगे, नैन पड़ेंगे रो, विधिनाये सिरे न करो, भोर कबहु नहीं हो, विधिनाये सिरे न करो, भोर कबहु नहीं। गोपियों को पता लगा, चिल्लाए ऐसी कृपा करो सवेरा ही ना हो। श्रोताओ, समय समय में सब बड़ा राम कृष्ण जन्म में रात शब्द छेड़े,
रात्रि शब्द पर कितना गजब का, कितना सुंदर रस भरा है। अक्रूर जी का आगमन हुआ। सुखोपविष्ट पर्यंके राम कृष्ण रुमानिता लेभे मनोरथान सर्वान पथियान सचकार। कृष्ण बलराम के द्वारा अतिथि सत्कार पाकर अक्रूर गदगद हो गए। कृष्ण से बता दिए, प्रभु ये पापी कंस आपको मरवाना चाहता है, बहाना धनुष यज्ञ का है। प्रभु ने कहा, देखो मुझसे तो कह दिए हो, मेरे भोले भाले ब्रजवासियों से मत कह। अभी मैं देख रहा था, एक दो शब्द जब बोलने लगा, हमारे भाई लोग कहीं बैठे हैं, ऐसे उंगली हिला रहे थे। इनके दिमाग में रहा होगा कहीं कुछ और बात न बोलते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे भी आप लोगों के साथ आनंद आता है। आप लोगों का स्नेह प्यार पाकर, कन्हैया की कृपा है, हमको इतने बड़े भाई यहां मिल गए हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसा स्नेह ये भाई लोग हमको देते हैं कि मैं कहीं भी कथा में जाता हूं, लेकिन इन भाइयों का जो प्यार है, आप लोगों का जो स्नेह है, वो कभी नहीं छूटता। इसीलिए किसी तीर्थ में कथा हो तो मेरी एक तमन्ना रहा करती है, चाहे एक दिन के लिए आओ, आधे समय के लिए आओ, पर आया करो। यही तो कृष्ण हमारा चाहता है। जीवन में हम केवल प्रेम की ही पूंजी चाहते हैं, हमारे लिए प्रेम ही सब कुछ है। मान बिन थूकू नहीं, गाड़ी भरे सामान पर रिझ जाता है मेरा मन प्रेम के एक पान पर। वो तो मेरे कृष्ण का जो सिद्धांत है, प्रयास करता हूं उसी को जीवन में उतारू। मैया को पता चल गया, प्रातःकाल कृष्ण को जाना है। मैया कांप गए और कन्हैया ऐसा वाक्य बोल दिए जो कोई भी मां सुनने को तैयार। क्या कहती है सुनो, मैया कर दो विदा आज तू प्यार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। जा रहा दूर मैं, जा रहा दूर मैं तेरे घर द्वार से, तेरे घर द्वार भक्तों कर दो विदा आज तो प्यार से, भक्तों कर दो विदा आज तो प्यार से। कन्हैया ऐसी बात बोल दिया जो कोई मां नहीं सुन सकती। एक भाई जी के पास मैं आज बैठा था, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बगल में ही आप रहा करें, आपके लिए ऐसी हम व्यवस्था करेंगे कि जब आपके पास समय रहा करे, खाली रहो, आप यहीं आओ। वो इतना कह दिए हमको मिल गया। महत्वपूर्ण मकान नहीं है मेरे लिए, महत्वपूर्ण उनका भाव है, उनका प्रेम है, यही मेरे जीवन की पूंजी है। मैया
कन्हैया के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मेरे लाल तू क्या कह रहा, देख मैं बगैर भोजन के रह सकती हूं, बगैर पानी के रह सकती हूं, लेकिन कृष्ण तेरे बगैर, यही तो प्रेम है महाराज। बगैर भोजन के जीवन जी लेना अच्छा है, बगैर पानी के जी लेना अच्छा है, पर प्रियतम के बगैर जीवन जीना एक पल भी अच्छा नहीं। कन्हैया को समझाती है, क्या कहती है, भूखल बांधू न गैया चराने कहूं, भूखल बांधू न गैया चराने कहूं, गोपियों की वो झूठी न थाने सुनो, गोपियों की वो झूठ न थाने सुनो, ना जताना ना जताना मुझे आज यूं छोड़ के, मुझे छोड़ के मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से। यशोदा भागी भागी बलराम के पास गई, दाऊ के पास, दाऊ तू तो बड़ा है समझा, बाबा के पास अक्रूर के पास कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं। गोपियों को पता चला प्रातः काल मेरे प्राण प्यारे जा रहे हैं, जैसे वन में आग लगे मृगा तड़पड़ाता है, दौड़ पड़ी नंद भवन की ओर, रथ के सामने जाकर के लेट गई, हे अक्रूर मेरे प्राण धन को लेकर के जा रहे हो, एक कृपा कर दो, रथ का चाक मेरी गर्दन से निकाल दो, ताकि मेरे प्राण भी प्राण प्यारे के साथ चले जाएं। अक्रूर जी नीचे गर्दन करके बहुत रोए, हे विधाता मैं कितना बड़ा अपराधी, भक्त भगवान के वियोग का अपराध मुझे, ग्वाल बालों को नहीं पता था ये मुझे छोड़ देंगे बड़े खुश। जैसे कृष्ण रथ पर बैठने लगे, मां अचेत हो गई थी कृष्ण के वियोग में, थोड़ी सी चेतना आई, रथ पकड़ के घसीट गई। मैया आंसू के मोती न बिखरा तुम, मैया आंसू के मोती न बिखरा जाओ, घर द्वार अपने रहो खुश तुम, जाओ घर द्वार अपने रहो खुश तुम, कर दो अंतिम विदाई, हाँ अंतिम विदाई, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से मैया कर दो विदा, आज तो प्यार से। भगवान रथ से नीचे कूद पड़े, मां को उठा के गले लगा लिए, मां का शरीर धूल धूसे, प्रभु अपनी माया डाले, जैसे अपनी माया डाले, यशोदा रोती बिलखती गोपियां कृष्ण के वियोग में पागल की भांत खड़ी हैं। आगे राधा रानी मिली, कन्हैया राधे से कहते हैं, राधे आपको तो पता है ना मेरा अवतार किस लिए हुआ है, प्राण प्यारे आप जाओ मेरे लिए कोई आधार तो दे दो। वही कृष्ण अपनी बांसुरी दे दिए, लो राधे
आज से मैं ये बंसी नहीं बजाऊंगा। गोपियां अपना शरीर त्याग देती, लेकिन कन्हैया ने कह दिया था परश्वः आगमिष्यामि, परसों की कह के वर्षों नहीं आए। गोपियां पुकारती अपने प्रियतम को, एक लाइन दिलदार यार प्यारे, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी यार, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, सब लोग आज खोई चुपचाप बैठ रोई, सब लोग कहने कोई चुपचाप बैठ रोई, सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठ रोई, सब लोग लाज खोई चुपचाप बैठ रोई, अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना बनाने आजा, अपना नहीं है कोई, अपना बनाने आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। गोपियां पागल की बात भटकते हैं, भगवान का रथ पहुंचा यमुना के तट पर, जब यमुना के तट पर पहुंचा अक्रूर ने कहा प्रभु आपकी अनुमति हो तो मैं संध्या वंदन कर लूं, प्रभु ने कहा कर लो। अक्रूर जी जल में प्रवेश किए, प्रभु को जल के अंदर देखते हैं, समझ गए साक्षात नारायण है भगवान की स्थिति, मथुरा में पहुंचाए हैं जहां ठहरने की व्यवस्था प्रभु को ठहराया गया, नगरवासी स्वागत किए हैं, राज दरबार का धोबी वस्त्र लेकर के जा रहा था, प्रभु ने कहा दे वासांश धर्मज्ञ इतने सारे वस्त्र लिए मेरे साथियों को दे दो, भगवान के लिए कहता है अरे वंशरो तुम्हारे बाप दादा कभी ऐसे कपड़े देखे हैं, भगवान मारे हाथ गर्दन अलग ले लो वस्त्र, वस्त्र तो ले लिए लेकिन एक समस्या हो गई, 5 फुट का कोई व्यक्ति उसके वस्त्र पहना दो 3 फुट के व्यक्ति को कितना अच्छा लगेगा कि नहीं। ग्वाल वालों ने कहा कि नहीं हंसी हो रही, दर्जी के यहां जाकर कपड़े ठीक करवाए, सुदामा नाम के मालिक के पास जाते हैं दिव्यहार, मार्ग में कुब्जा जा रही थी चंदन का लेप लेके, प्रभु ने कहा सुंदरी इतना सारा चंदन का लेप लेके कहां जा रहे है? उसने सोचा लोग कुबड़ी कहते थे, सुंदरी कहने वाला कौन आ गया, पीछे मुड़ के देखी
प्रभु आपने कहा आप तो परम सुंदरी हो। भगवान उसकी कुबड़ को ठीक किए, चंदन कले धनुष भंग किए प्रभु, प्रातःकाल अखाड़े का आयोजन, प्रभु कुबले पीड़ का उद्धार किए, चाणूर मुष्टिक इत्यादि राक्षसों का उद्धार, कंस के आठ भाइयों का उद्धार बलराम जी किए। कंस बैठा था ऊपर, बंद करो अखाड़े का आयोजन। भगवान ने कहा मामा जी बहुत अच्छा बोलते हो, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं ही आ जाता हूं। जब मरीज असाध्य हो तो डॉक्टर को ही जाना पड़ता है। हमारे कृष्ण छलांग मारे, जैसे तलवार निकाला हाथ पकड़ लिया, केश पकड़ के घसीटते हैं, रंगमंच में लाकर उसका उद्धार किए। बोले कंसा पहाड़ी भगवान की हो। अस्थि और प्राप्ति का विलाप, कुब्जा और अक्रूर के अतिथ सत्कार को प्रभु स्वीकार करेंगे। भगवान माता पिता को बंधन मुक्त किए हैं, ब्रजवासियों के भेजे हैं गोकुल। रोते बिलखते ब्रजवासी वापस आए। भगवान का उपनयन संस्कार, गुरुकुल में जाकर ज्ञान की प्राप्ति, दक्षिणा के रूप में मृत गुरुपुत्र लाकर के समर्पित किए। भगवान के सखा थे उद्धव, उनके अंदर अहंकार था निराकार का, निराकार और साकार के प्रपंच में मत उलझना। बगैर सगुण साकार निर्गुण निराकार ब्रह्म का बोध ना किसी को हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। वही निराकार साकार है। देखो पानी बनता है बर्फ, बर्फ बनता है पानी। कई बार लोग कहते हैं मैं तो निराकार को मानता हूं साकार को नहीं मानता। बहुत अच्छी बात, हम भी कहते मानो, लेकिन एक बात बताओ, जो निराकार की व्याख्या करने आपके समक्ष बैठा है उससे खुद पूछो वो निराकार है कि साकार है, उससे पहले पूछो। भगवान का विग्रह बनाना मूर्ति पूजा है और किसी की फोटो लटकाना मूर्ति पूजा नहीं है, ये कहां का ज्ञान है? देखो बालक को शब्द का बोध कराना हो श्रोताओं तो चित्र जरूरी है, बगैर चित्र के बालक को शब्द का बोध, जैसे बगैर चित्र के बालक को शब्द का बोध नहीं हो सकता, उसी प्रकार बगैर सगुण साकार परमपिता परमात्मा नारायण का भी बोध नहीं हो सकता। और उद्धव जब पहुंचे हैं तो गोपियां ऐसे लताड़ी हैं, अरे उद्धव कहां भटक गए? देखो श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, उद्धव हमें आठो याम श्याम ही सुख काम है, श्याम मति श्याम गति श्याम ही हमारो पति, उद्धव सुखदाई श्याम नाम शोभा धाम है, उद्धव है बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहां रखे यहां रोम रोम श्याम है। गोपियां तो कहती हैं उद्धव परीक्षण करना हो तो यहीं ठहरो, किसी गोपी का शरीर छूते और जहां चिता बनाओ उसके बाद वहां आम का वृक्ष लगाओ, और वृक्ष जब बड़ा हो तो उसकी ढोलक बनाकर उस ढोलक का प्रयोग करो संकीर्तन में। यदि उस ढोलक से कृष्ण नाम की ध्वनि ना निकले तो गोपी प्रीत को थूक देना। है उद्धव उद्धव वो अखियां जर जाय जो छाड़ के श्याम निहारत घोरो। यदि ये वाणी कृष्ण के अलावा किसी और का नाम ले इस वाणी को निकालकर हलाहल विष में डाल देंगे। इस भाव को देखकर उद्धव का ज्ञान अहंकार द्रवित हुआ। इतने प्रेम था तो कृष्ण छोड़ क्यों दिए? देखो यदि मैं नहीं छोड़ सकता तो वही मुझे छोड़ नहीं सकते। बंद करो आंख। और जैसे उद्धव आंख बंद किए राधा रानी प्रार्थना की, बांसुरी बजाते भगवान प्रकट हो गए। जोड़ी सरकार की हो। राधा रानी ने कहा
है उद्धव, ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, जित देखूं तित श्याम मई है, सघन कुंज में श्यामा यमुना, गगन घटा घन घोर छई। उद्धव जी आए वापस ब्रज में, भगवान अपने स्वरूप में गोपी ग्वाल बालों को दिखा दिए, कुब्जा और अक्रूर के अतिथि सत्कार को स्वीकार किए। जब जरासंध का आक्रमण हुआ तो भगवान कृष्ण के जो रिश्ते में चाचा लगते थे, उन्होंने कहा कृष्ण आपके आने के कारण यह समस्या है, इसलिए आप यहां से चले जाओ। हमने आपसे एक दिन संकेत किया था, 7 बज गए, 7:05 हो गए, 5 मिनट में बरात ला रहा हूं आपके समक्ष, मात्र 5 मिनट का समय है, बरात की तैयारी अपना कर लें, गेट के पास 5 मिनट में बरात लेके आ जाए। हमने आपसे एक दिन कहा था कि मथुरा और ब्रज में एक अंतर है, मथुरा के लोग स्वार्थी होते हैं, कोई मथुरा वाले यहां बैठे हो तो बुरा नहीं मानेंगे। जरासंध के आक्रमण के बाद उन्होंने कहा कृष्ण तुम यहां से जाओ, ब्रज में कितना आक्रमण हुआ राक्षसों का, लेकिन ब्रजवासी छोड़ने को तैयार। तब भगवान गए परशुराम के पास, कृष्ण बलराम हम कहां रहे क्या करें, देखो राम लक्ष्मण के रूप में जब मिले तो अलग रूप था परशुराम के साथ, और यहां परशुराम के पास गए अलग भाव लेके। इस पर थोड़ा सा कल संकेत कर दूंगा, इसकी व्याख्या जरूर बताऊंगा आप लोगों को, ये शायद नया प्रसंग रहेगा कि कृष्ण और बलराम परशुराम जी के पास क्यों गए थे। जरासंध का आक्रमण, 16 बार सेना का संहार किए, 17वीं बार काली बनाया है, भगवान प्रवर्षण गिरी की ओर गए, जहां मुस्कुंद सो रहे थे पीताम्बर उड़ा के छुप गए। कालीवन सोचता कृष्ण सोने का नाटक कर रहे हैं, जैसे चरण का प्रार किया मुस्कुंद के नेत्र खुले, जल करके भस्म, भगवान का दर्शन। प्रभु ने कहा आपको कलयुग में आना है पुंडरी के भक्त बन के। जरासंध का 18वीं बार आक्रमण, भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिकापुरी का निर्माण करवाए, समस्त वंशियों को भेज दिया द्वारिका। बलराम रेवती के विवाह का प्रसंग है, भीष्मक नरेश की पुत्री है रुक्मिणी, बाल्यकाल में सत्संग की भगवान को पति के रूप में चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी चाहता था अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ। बड़ा हठी था शिशुपाल, बारात लेकर के जब आया रुक्मिणी को बड़ी पीड़ा हुई। रुक्मिणी को पता लगा, एक ब्राह्मण देवता को पत्र लिखती है, ब्राह्मण देवता पत्र लेके चल पड़े द्वारिका। ब्राह्मण देवता पत्र लेके द्वारिका पहुंचे, तब तक मैं एक सूचना दे दूं, आज के प्रसाद की सेवा विमल अग्रवाल जी बीकानेर वाले, जय कुमार बंसल जी, पीताम्बर जी, अशोक गर्ग जी, श्रीमती सुमन बंसल जी, एक गुप्त प्रसाद, एक स्वाति तायल, एक पवन सिंगल, सभी के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना, भगवान की कृपा हो। ब्राह्मण देवता पत्र लेके पहुंचे, भगवान पत्र पढ़ते चल पड़े। रुक्मिणी को पता लगा प्रभु आ चुके हैं। रुक्मिणी भगवती की आराधना करने के लिए जाती है मां के भवन में, जाके आराधना करती है, नमस्ते त्वाम्बिके भीषणम ससंतानुताम शिवाम भोजात पत्र में भगवान कृष्णस्त अनुमोदताम। कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। भगवती ने कहा बेटी क्यों परेशान है, जा वो खड़ा है। रुक्मिणी भवन के बाहर आती हैं, जैसे भवन के बाहर आई रुक्मिणी जी हाथ बढ़ाई, हमारे प्रभु हाथ पकड़े लेकर के चल पड़े, बोले रुक्मिणी रमण भगवान की हो, द्वारिकाधीश भगवान की हो। रुक्मिणी प्रतिज्ञा कर लिया, यदि अपनी बहन को लेकर के नियातम नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। भयानक युद्ध हुआ, उधर से बलराम जी सेना लेकर के आ गए, भोजकट नाम का नगर बसाकर रुक्मिणी जब युद्ध में पराजित हुआ, रुक्मिणी जब युद्ध में पराजित हुआ, भगवान बाल काट के छोड़ दिए, भोजकट नाम के नगर में निवास किया है। कृष्ण रुक्मिणी पहुंचे हैं द्वारिका, और द्वारिकावासी बड़े धूमधाम के साथ अपने प्रभु के विवाह उत्सव का आनंद लेते हैं।